रामायण काल की चर्चा हो और घमंडी रावण की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। रावण बहुत बलशाली और मायावी राक्षस था। उसने अपने खुराफात से देवताओं का जीना हराम कर दिया था। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। अभिमानी दशानन की कई खूबियां थीं, लेकिन एक ब्राह्मण होकर भी रावण में राक्षस के तत्व कैसे आ गए, आइए जानते हैं। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। रावण के जन्म के रहस्य की वो भयानक काली रात का पर्दाफाश करूंगा आज की इसी वीडियो में। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकशी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवता गण राक्षस गणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। मेरे भय की वजह से कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचने में कैकसी को काफी समय लग गया था और इस कारण वह शाम के वक्त ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुंची। यहां आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें कैकसी को यह बात भी कही, तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण कुंभकर्ण पुत्री सुपर्णखा का जन्म हुआ। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। ऐसी ही एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।